मायागंज नाम के गांव में सुनीता नाम की गरीब औरत अपनी 7 साल की बेटी तारा के साथ रहती थी। सुनीता के पति की मौत कई साल पहले जहरीली शराब पीने के कारण हो गई थी। अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए सुनीता राजरानी के यहाँ बर्तन और साफ सफाई का काम किया करती थी। राजरानी बहुत ही खड़ूस और घमंडी औरत थी। वो सुनीता को अक्सर खरी खोटी सुना दिया करती थी। सुनीता, आज तू फिर 5 मिनट लेट है, इसलिए तेरी आज के दिन की दिहाड़ी भी मैं काट लूंगी। मालकिन, आज बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसको दवा देकर आई हूँ, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे तो समझ नहीं आता, जब तुम गरीब बच्चों को पाल पोस नहीं सकते तो पैदा क्यों कर लेते हो। चल, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है, काम कर जल्दी, कब से सारा काम बिखरा पड़ा है। जी मालकिन। राजरानी का स्वभाव वैसा ही था, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। सुनीता अगर काम पर 5 मिनट भी लेट पहुंचती तो वो उसके पैसे काट लिया करती थी, लेकिन सुनीता कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करती। उस दिन भी वो बेचारी चुपचाप घर का सारा काम करके अपने घर आ गई। घर आकर अपनी बेटी के लिए उसने खिचड़ी बनाई और उसे खिलाया। सुनीता दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर हफ्ते दुर्गा माँ के नाम का व्रत रखती थी और व्रत वाले दिन वो काम पर जाने से पहले माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर जाती थी। हे दुर्गा माँ, मुझ पर और मेरी बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ, हमारा साथ कभी न छोड़ना। मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद सुनीता काम पर चली गई। घर का सारा काम निपटाने के बाद उसने अपनी मालकिन राजरानी से कहा, मालकिन, मेरे 16 व्रत पूरे होने वाले हैं और अगले हफ्ते मुझे 9 कंजक को खाना खिलाकर अपने व्रत का उद्यापन करना है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है जो तूने मांगे और मैंने तोड़ कर दे दिए? एक तो ठीक से काम नहीं करती, ऊपर से इसे पैसे उधार चाहिए। आई पड़ी। मालकिन, मैं बड़ी आस के साथ आपके पास आई थी, ऐसा मत कीजिए। अगर ज्यादा बकवास की ना तो तेरी इस महीने की तनख्वाह सारी काट लूंगी, समझी। बेचारी सुनीता दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। उद्यापन तो मुझे करना ही होगा। यही सोचकर एक दिन सुनीता अपने कान की बाली बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। शुक्र है माँ दुर्गा, जो उद्यापन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। माँ, इसका मतलब अब तुम 9 कंजक को भोजन करवा पाओगी और अपना व्रत सफल कर पाओगी। हाँ मेरी बच्ची। अगले दिन सुनीता बाजार से सामान लाकर प्रसाद बनाती है और मंदिर में ले जाकर कंजक को भोजन परोसती है कि तभी राजरानी वहाँ जाती है और पैर मारकर सारे पत्तल गिरा देती है। घोर अनर्थ, दुर्गा माँ का इतना बड़ा अपमान। ए पंडित, तू अपने बकवास बंद कर और इंस्पेक्टर साहब, आप इस चोरनी को गिरफ्तार कर लीजिए। इसी ने मेरे घर से पैसे चुराए हैं और उन्हीं पैसों से ये कंजक पूजन का ढोंग कर रही है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो मुझे। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। सुनीता को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। हे दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अगले ही दिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से असली चोर जो उस घर का मालिक है उसे पकड़ लेती है और सुनीता को जेल से रिहा कर देती है। रात को सुनीता जब अपने घर पर सो रही थी तो दुर्गा माँ उसके सपने में आती है। सुनीता, तू मेरी सच्ची भक्त है और तूने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, बोल तुझे क्या चाहिए। माँ, मुझे पछतावा है कि मैं मालकिन के कारण उद्यापन ठीक से नहीं कर पाई, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पुत्री, ये सब गलती उस राजरानी की है और इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। उसने मेरे प्रसाद को ठोकर मारी थी, अब उसको सब पैर मार कर भगाएंगे और खाने के नाम पर उसको अब सिर्फ कीट मकौड़े ही खाने को मिलेंगे। साथ ही तेरी अधूरी इच्छा भी पूरी होगी। सुबह उठकर अपने बिस्तर के नीचे जो बैग है उसे खोल कर देखना, उससे तेरे सारे काम बन जाएंगे। अगले दिन जब सुनीता सोकर उठती है तो वो बेड के नीचे रखे बैग को देखती है जिसमें ढेरों रुपए रखे होते हैं। ये देख सुनीता और अनु बहुत खुश हो जाती हैं। अब सुनीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो खुशी खुशी दुर्गा माँ के मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा करवाती है। उधर राजरानी का पति जब अपने बेड पर अपने बगल में छिपकली को देखता है तो बुरी तरह डर जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब राजरानी छिपकली बनकर कीट खाने लगी, साथ ही उसे देखकर लोग पत्थर मार मार कर भगाने लगते हैं। भागते भागते वो दुर्गा माँ के उसी मंदिर में पहुँच जाती है और दुर्गा माँ से माफी मांगने लगती है। उसे देख पंडित सारा किस्सा समझ जाता है और उससे कहता है, तुम वही हो ना जिसने दुर्गा माँ के प्रसाद को ठोकर मारी थी, आज इसी कारण तुम भी सबकी ठोकर खा रही हो। ये दुर्गा माँ का ही श्राप है जिस कारण तुम आज छिपकली बनी हो।
मुझसे गलती हो गई पंडित जी, अब मैं अपने किए का पश्चाताप कैसे करूं पंडित जी? इसका एक ही तरीका है, तुम दुर्गा माँ से क्षमा मांगो और उनके नाम के व्रत करो, फिर नौ कंजक को खाना खिलाओ, साथ ही सुनीता से माफी मांगो, तभी तुम्हें अपने किए की माफी मिलेगी। इसके बाद छिपकली बनी राजरानी बिल्कुल वैसा ही करती है। व्रत पूरे होने के बाद वो सुनीता से माफी मांगती है और फिर उसकी और अपने पति की सहायता से वो नौ कंजकों को मंदिर में भोजन करवाती है, जिससे प्रसन्न होकर दुर्गा माँ उसे आशीर्वाद देती है और फिर से वो अपने असली रूप में आ जाती है। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से अब सुनीता ने भी बड़ा सा घर खरीद लिया, साथ ही पूजा के सामान की बहुत बड़ी दुकान खोल ली और अनु का दाखिला अच्छे से स्कूल में करवा दिया। दुर्गा माता की जय। चलो पूजा संपन्न हुई, अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया क्या हुआ, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिकर मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी और देखो आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे, माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन तीन भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी, कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी, वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी, वो वहाँ पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी, ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद खाओ और अब बोल। दीदी लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी, बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के, वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची चाहे कुछ भी हो जाए तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी, जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया, केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है, कैसे हो पाएगा सब कुछ, हे माँ कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर मैं प्रहरी सुधा हूँ, बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों, छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर। जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है।
इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और दो तीन पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे। और फिर ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में, चित्रा तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे नवमी की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या नवमी पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार। चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की, जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई। और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने, मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ, देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए। और फिर, पुत्री मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए। चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा, मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूँगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने, साक्षात माता रानी। क्या ये सच है? क्या ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी, मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो।
दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।